जब भी मैं ऑयलिंग करने के बाद कोम करती हूँ तो मेरे बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं हमें ऑयलिंग करनी चाहिए, ऑयलिंग करने से बाल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। जब बाल इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तो कोम करने पर टूटते क्यों हैं, हेयर फॉल क्यों होता है? मैं आज से कभी हेयर ऑयलिंग नहीं करूंगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, जब भी आप ऑयलिंग करने के बाद कोम करते हो तो आपके बाल पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा टूटते हैं, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है? फिर आपके मन में भी यही थॉट आता है कि क्यों हम ऑयलिंग करें जब ऑयलिंग करने के बाद हमारे बाल इतने ज्यादा टूट रहे हैं? सब लोग तो कहते हैं ऑयलिंग करने के बाद बाल स्ट्रांग हो जाते हैं, जब बाल स्ट्रांग हो जाते हैं तो बाल टूटते क्यों हैं? ये अगर आपके मन में भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी किस तरह से आपको प्रॉपरली कोम करनी है जिससे कि आपके बाल बिल्कुल भी ना टूटे। दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस बताए, ये सारे पहले मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम होती थी। मैंने ऑयलिंग करना 1-1.5 साल पहले ही स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले मैं जब भी ऑयलिंग करती थी तो मेरे बाल बहुत ज्यादा टूटते थे। जब मैं कोम करने लग जाती थी तो मेरे मन में आता था मैं कभी भी ऑयलिंग नहीं करूंगी, क्योंकि जब हमारे बाल इतने ज्यादा टूट रहे हैं तो फिर हम क्यों ऑयलिंग करें? बाल जब स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं तो ऑयलिंग करने का क्या फायदा है? क्योंकि उस वक्त मैं एक बहुत ही मेजर मिस्टेक करती थी, और आप लोग भी अगर वही मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से आपके बाल टूट रहे हैं तो आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और देख लेते हैं किस तरह से हमें ऑयलिंग करने के बाद कोम करनी चाहिए जिससे कि हमारे बाल ना टूटे। आपका एक बाल टूट सकता है लेकिन 1 से 2 बाल नहीं टूटेगी, इस बात की मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। हम हेयर ऑयलिंग करने के बाद कोम करते हैं ना, तो हमारे बाल इसीलिए ज्यादा टूटते हैं क्योंकि जब हम ऑयलिंग करते हैं तो हमारे बाल आपस में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं। उसके बाद जब हम कोम करने लग जाते हैं तो हमारे बाल टूटने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बालों को जब हम कोम करें तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में जब भी हम कोम करते हैं तो हमारे बालों में प्रेशर जाता है जिसकी वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो सारी ताकत हमें अपने बालों पे नहीं दिखानी है, हमें बिल्कुल हल्के हाथों से कोम करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने बालों का पार्टीशन करना है, मिड में से आपको पार्टीशन कर लेना है। उसके बाद आपको फिंगर कोम करनी है, डायरेक्ट आपको कोम नहीं करनी है। सबसे पहले आप फिंगर कोम करोगे जिससे कि जो आपके बाल आपस में उलझ गए हैं, फ्रिजी हो गए हैं, वो टैंगल फ्री हो जाएं। तो धीरे धीरे आपको जिस तरह से वीडियो में नजर आ रहा है सेम उसी तरह से आपको अपने बालों को टैंगल फ्री कर लेना है, ऊपर से लेके नीचे तक, बालों की रूट से लेके बालों की एंड्स तक अच्छी तरह से आपको अपने बालों को सेपरेट कर लेना है। आप देखोगे आपके जो बाल जो बहुत ज्यादा फ्रिजी हो गए थे, टैंगल हो गए थे बालों में, वो 50% से ज्यादा आपके दूर हो चुके हैं। जब आपके बाल आप देखोगे टैंगल फ्री हो चुके हैं, उसके बाद आपको कोम करनी है। अब आपको कोम करते टाइम ये भी ध्यान रखना है आप किस तरह का कोम यूज कर रहे हो। जो मोटा वाला कोम होता है ना, आपको हमेशा वही यूज करना चाहिए, या फिर आप वुडन ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो नॉर्मल ब्रशेज होते हैं उनको आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि उनमें हमारे बाल बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो या तो आपको मोटा वाला कोम यूज करना है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, या फिर आपको वुडन कोम का इस्तेमाल करना है, वुडन ब्रश जो होता है उसका आपको इस्तेमाल करना है। अब आपको कोम करना है, तो कोम आपको डायरेक्ट रूट से आपको कोम नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने बालों की एंड से स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, बालों की जो एंड्स हैं उसको अच्छी तरह से हम कोम करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, हल्के हल्के हाथों से। प्रेशर आपको अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई हमारे ही बाल हैं, बहुत ज्यादा नाजुक हैं, तो हमें इनको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। हमें इन पे बिल्कुल भी जोर नहीं दिखाना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें कोम करनी है। वीडियो में नजर आ रहा है, सबसे पहले आपको अपने बालों की एंड्स में कोम करनी है। जब आप अपने बालों की एंड्स में कोम कर लोगे तो धीरे धीरे आपको कोम को ऊपर लेकर के आना है। उसके बाद आपको अपने बालों की स्कैल्प से लेके कोम करना है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको अपने बालों को इस तरह से होल्ड कर लेना है। जस्ट सपोज आप अपने बालों की एंड्स में कोम कर रहे हो, उस वक्त आपको अपने बालों को इस तरह से होल्ड कर लेना है जिससे कि जो आपके बालों की रूट्स हैं उनमें प्रेशर अप्लाई ना हो और आपका हेयर फॉल ना हो। जब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इस तरह से हम कोम करते हैं तब हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। तो आपको डायरेक्ट एक बार में पूरा कोम नहीं करना है, आपको
हाफ हाफ बाल डिवाइड कर लेने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से पार्टीशन करना है, उसके बाद आपको यहाँ से पार्टीशन भी करना जरूरी है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे ना, ट्रस्ट में आपके बाल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि मेरे बाल पहले इतने ज्यादा टूटते थे, मुझे बहुत जल्दी रहती थी कॉम करने की, तो मैं बहुत जल्दबाजी में कॉम करती थी, जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज्यादा टूटते थे। और बाल जब आपके टूटते हैं ना, हेयर फॉल जब होता है, तो बाल चले जो जाते हैं, उनको वापस लाने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उतनी मेहनत आपको ना करनी पड़े, इसीलिए आपको ध्यान रखना है, अभी आप कॉम अच्छी तरह से कर लो, जिससे कि आपका हेयर फॉल ना हो। तो आपको क्या करना है, इतने बालों को आपको लेना है, पकड़ लेंगे इस तरह से, बिल्कुल ढील देनी है इस तरह से, मतलब ऊपर के बालों में हमारे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं जा रहा है। अब यहां से आपको कॉम करनी है, धीरे धीरे कॉम को ऊपर लेकर के आएंगे और इस तरह से बालों को पकड़ पकड़ के, ऐसे पकड़ पकड़ के आपको इस तरह से आपको कॉम करनी है। बहुत ही इजी ट्रिक है, आप इस तरह से कॉम करके देखिएगा। जरूरी नहीं है आपने ऑयलिंग किया हो उसके बाद जब आप कॉम कर रहे हो तभी आपको इन बातों का ध्यान रखना है, जब भी आप कॉम कर रहे हो तब आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपको एक बार में कॉम उठाया और फटक से हमने एकदम से कॉम कर ली, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। 100% आपका हेयर फॉल होगा, कितने भी आप हेयर मास्क अपने बालों में अप्लाई कर लो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बालों का पहले मिड में से पार्टीशन करना है, अच्छा कॉम्ब आपको चूज करना है, वुडन ब्रश का आप इस्तेमाल कर सकते हो या जो मोटा वाला कॉम्ब होता है वो, इन दोनों में से ही आपको चूज करना है, बाकी आप कोई भी कॉम्ब का इस्तेमाल करोगे तो आपके बाल टूटेंगे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बीच में से पार्टीशन कर लिया, उसके बाद जो हमारे एक साइड के बाल हैं वहां पे हम बीच में से पार्टीशन कर लेंगे। सबसे पहले अपने बालों की जो एंड्स हैं उसमें हम कॉम करेंगे, उसके बाद हम स्कैल्प से कॉम करना स्टार्ट करेंगे। हाफ हाफ बालों को डिवाइड करके जब आप कॉम करोगे तो कभी भी आपका हेयर फॉल नहीं होगा। हाँ, एक दो बाल आपके टूट सकते हैं, एक दो बाल सबके टूटते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा अगर हेयर फॉल होना शुरू हो जाए तो वो बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है, उसका आपको सॉल्यूशन जल्द से जल्द करना चाहिए। अदरवाइज गंजे होने में ज्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, जल्दी से गंजे नहीं होना है हमें, तो अभी से ही हमें कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, फॉलो करना है। तो दोस्तों, आई होप आज की जो वीडियो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आज का जो टॉपिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एक और बात, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। तो ओके दोस्तों, अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।